हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1139th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। पारेख ब्रदर्स ज्वेलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। अ बिग थैंक यू टू कट सलॉन ऑफ नागपुर सिटी विच इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव सलॉन। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू हैम्पू राइड बाय निधि राठी एंड यू नो अ ब्रांड विच इज हेल्पिंग अ लॉट ऑफ लेडीज आउट देयर विथ लोन्स, विथ यू नो मुद्रा लोन्स एंड बिजनेस लोन्स, एंड दैट इज अंतरा मल्टी सर्विसेज बाय रुपेश पांडे। आज की जो हमारी मेहमान है, शी इज यू नो अ पर्सन ऑफ इट्स काइंड, यू नो वन पर्सन हु हैज दिस वन थिंग फॉर हर कंट्री, फॉर हर सिटी। एंड मुझे एक चीज बताइए, लाइफ में कौन ग्रीन कार्ड वापस करता है? कौन कहता है अमेरिका को कि मुझे आपकी रेजिडेंसी नहीं चाहिए? होते हैं लोग जिन्हें अपने देश से प्यार है, जिन्हें अपने लोगों से प्यार है, जिन्हें अपनी संस्कृति से प्यार है, जिन्हें अपनी कला से प्यार है, जिन्हें अपने खाने से प्यार है और जिन्हें अपने लोगों से प्यार है। और वो जो काम करना चाहती हैं, जो मेंटल हेल्थ की दिशा में वो काम करना चाहती हैं, वो बहुत तारीफ के काबिल है। कई सारे अपनी जिंदगी के पत्ते खोलेंगी वो जो है हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिसेज सोनल फुके। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका आज की बात में। हेलो मैम, ये तो आपने बॉम्ब फोड़ दिया मेरे सर पे। मतलब व्हेन आई हर्ड दिस दैट यू नो यू गिव अप योर ग्रीन कार्ड, लेट्स गो बैक। सो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ सोनल फुके? सोनल फुके की शुरुआत तो खैर सोनल देशमुख से होती है जी। तो आई स्टडीड इन सोमलवार एंड चाइल्डहुड वाज वेरी बिजी, बहुत सारी एक्टिविटीज, म्यूजिक, स्विमिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्टडीज वगैरह वगैरह। फिर मैंने आई डिड माय बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम एलएडी कॉलेज जो सेमिनर हिल्स पे है एंड नाउ इट इज नोन एज एसएमएमसी है। तो मैंने आर्किटेक्चर किया वहां से। उसके बाद आई वेंट टू यूएस विद माय हस्बैंड एंड वी स्टेड इन यूएस फॉर अबाउट 7 इयर्स, 7-8 इयर्स। दोनों बच्चे वहीं बॉर्न हुए जी। पर हमेशा एक क्वेश्चन होता था दिमाग में कि हमारा फ्यूचर किस तरह से होगा, हमारे बच्चे कैसे बड़े होंगे, हमसे शायद बहुत ही अलग हो जाएंगे इफ वी स्टे इन यूएस, राइट? एंड वी कुड नेवर हैव आंसर्स टू some more questions like what will happen to our aging parents and how are we going to you know take care of them and so many responsibilities. aise lagta tha kabhi aise bahut peaceful nahi lagta tha. And we always, both of us, we always missed Nagpur. So long term plans to hamare the wapas aane ke, but of course we wanted to do something with our lives, so that is why US was the best place and we had the best of our time in US. So jitna hum you know US ke bare mein sunte hain, America ke bare mein sunte hain, land of opportunities and you know the most powerful country, and the GDP and the economy, it's great. The city, you know, it's very very you know modern and you know well grown country. How do you, just tell me something about US. US is fantastic. It is a land of opportunities. It is a land of freedom. And we did enjoy our freedom because we were there as a newly married couple. We had our children there. We bought a house there. So we were having a fantastic life. But then, again, as I said, that there was always this question ki ye matlab wapas jana hai, wapas jana chahiye. Because our people need us and we really want to do something for our country, as you said. We couldn't relate ourselves to be there for a very long time. It was slightly different than what our other friends were doing there. Our entire friend circle is still there in US. Because, see, everybody, they have their own thought processes and they have their own thinking style and everybody thinks differently. So we always wanted to come back. So we were finding ways of coming back. So finally in 2007 when my younger one was also born, so hamare parental responsibilities ho gaye the and then we also had our green cards. To humko aisa laga ki ek milestone hum logon ne achieve kar liya hai. Indraneel, mere husband ka work experience bhi bahut acha mila wahan par US mein, even I worked there. To wo sare experiences bahut le liye the hum logon ne.
एंड देन वी थॉट दैट दिस इज प्रोबेबली द राइट टाइम टू गो बैक, बिकॉज वैसे तो कोई टाइम सही नहीं होता है इस तरह के चेंजेस के लिए. True. पर उस वक्त मेरा बड़ा बेटा सोहम कुछ 4.5 साल का था और छोटा बेटा वॉज लाइक अबाउट 7 months. तो वी थॉट दैट दैट इज द बेस्ट टाइम टू यू नो कम बैक टू आवर होम टाउन. सो माई हस्बैंड गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ही गॉट हिज एडमिशन इन IIM अहमदाबाद एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम. राइट. सो वी थॉट दैट दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो बैक. So we did not waste time. We just took our chance and then we came back. So wo change was a big change in our life. But we were prepared. We were very happy about it. Ek sirf hope tha ki ye happiness continued rahe. And I can proudly say that, you know, absolutely it was the best decision that happened to us. So professionally, you are an architect. I am an architect, yes. But then you did not continue the architecture profession after doing the masters? See, what I believe is, हम लोगों ने ऐसी डिग्रियां तो बना के रखी हैं अलग अलग और अलग अलग मेजर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड होते हैं. जी. बट इफ यू रियली स्टार्ट गेटिंग डीप इन टू इट, यू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज सो फ्लूइड. Right. और इनका इन मतलब ऐसे कंपार्टमेंटलाइज्ड कुछ भी नहीं है. सो व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन आर्किटेक्चर एजुकेशन, जो मैंने वहीं से किया, मेरे अल्मा मैटर से ही किया, SNMCA से, एंड देन माय हस्बैंड हैड आल्सो कंप्लीटेड हिज MBA राइट फ्रॉम अहमदाबाद. तो वी अगेन वी स्टार्टेड थिंकिंग टुगेदर इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ आवर लाइफ इज गोइंग टू बी. तो ही सेड अ वेरी नाइस एंड थॉट प्रोवोकिंग थिंग कि मैं तो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी हो जाऊंगा और तुम एक ही जगह रहोगी, एक ही कॉलेज में जाओगी, एक ही जो क्लास में बार बार वही रिपीट करोगी, कुछ सालों बाद तुम बोर हो जाओगी और मोनोटोनस हो जाएगा, कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए रहेगा नहीं. तो अगर मुझे ऐसे लगता है कि यू शुड गेट आउट इन द वर्ल्ड, डू समथिंग एंड यू एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन एंड डू समथिंग अबाउट इट, एंड समथिंग दैट वी कैन डू टूगेदर इज डू समथिंग फॉर चिल्ड्रन. राइट. एंड बिकॉज वी हैड कम बैक टू नागपुर फ्रॉम अ प्लेस लाइक US, एक चीज हमेशा ही दिमाग में थी कि कहीं हम बच्चों को 4 कदम पीछे तो नहीं ले जा रहे हैं. मतलब वो एक थॉट था. और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे और जानना था, बिकॉज आई हैड लॉस्ट टच ना यहाँ जी, पर जी. तो वो मुझे वापस कनेक्ट करना था उसको, एंड देन आई वॉन्टेड टू सी वॉट बेस्ट पॉसिबल थिंग्स आई कैन डू फॉर माई चिल्ड्रन. एंड देन आई रियलाइज कि बहुत छोटे बच्चे, उस वक्त जो मेरे बच्चों की जो एज थी जी, तो आई थॉट दैट समथिंग नीड्स टू बी डन इन यू नो दैट एरिया, एंड दैट इज समथिंग इन विच वी कैन डू समथिंग टूगेदर. सो ही बिकेम माई एडवाइजर एंड आई स्टार्टेड टॉडलर क्रीड. टॉडलर क्रीड वॉज अ वर्ल्ड क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, वन ऑफ द बेस्ट. It was the best. And I ran it for 11 years. So those were another beautiful 11 years. And because of COVID, वो मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि वो रेंटल लॉजिस्टिक्स वगैरह वो वर्कआउट नहीं हो पा रहे थे. और जैसे ही मैंने टॉडलर क्रीड 2009 में शुरू किया था, सो आई स्टार्टेड इट एज अ प्ले ग्रुप, नर्सरी, इवनिंग एक्टिविटी सेंटर, डे केयर ऑफ इट्स काइंड, जो कि नया कंसेप्ट था इंडिया में, नागपुर में. अवेयरनेस डे केयर के, डे केयर अ प्लेस लाइक अ डे केयर वॉज जस्ट लाइक यू नो सम काइंड ऑफ अ वेरी एलियन थिंग फॉर नागपुर, वेरी मतलब मिजरेबल काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर पेरेंट वुड फील वेरी गिल्टी सेंडिंग द चिल्ड्रन. ट्रू. बट वॉट वी अचीव्ड ड्यूरिंग टॉडलर क्रीड वॉज दैट वी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, टू लर्न, टू यू नो स्पेंड देयर टाइम वेरी नाइसली एंड लर्न एट द सेम टाइम व्हाइल प्लेइंग. फिर हमने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग भी शुरू किया था 2011 में. 2009 में आई स्टार्टेड टॉडलर क्रीड. राइट. बाय 2011 दो ब्रांचेस हो गए थे, वन वाज इन रामदासपेट, वन वाज इन लक्ष्मीनगर. वी ऑलवेज वांटेड अ पूल ऑफ टीचर्स फॉर अस. माय मदर इन लॉ टुक द इनिशिएटिव एंड शी पुश्ड मी दैट यू नो यू शुड स्टार्ट अ मॉन्टेसरी ट्रेनिंग सेंटर. शी गॉट ऑल द फॉर्मेलिटीज डन, शी गॉट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी. राइट. एंड वी स्टार्टेड अ मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो कि अभी भी चल रहा है. In the name of Toddler Grade. Okay. My partner Avanti Jodhpurkar is still running it in the name of Toddler Grade. तो वो चल रहा था, fantastic तरीके से चल रहा था, but बहुत ही जल्दी मुझे ये realize हुआ कि architecture education से मेरा जो education का एक background मेरा तैयार हुआ है, so that is not enough. मुझे
बच्चों को अच्छे से जानने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स समझने के लिए, पेरेंट्स का मैं डे इन एंड डे आउट काउंसलिंग कर रही थी, पेरेंटल एडवाइजेस दे रही थी, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगने लगा कि आई नीड टू क्रिएट सम बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी. राइट. दैट इज व्हाई आई एनरोल्ड मायसेल्फ इन एमए साइकोलॉजी. और ऐसा बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट दे आइदर बिकम साइकोलॉजिस्ट बाय अ डिग्री और दे बिकम साइकोलॉजिस्ट और दे आर साइकोलॉजिस्ट बाय बर्थ. Right. So I consider myself as a psychologist by birth. Birth. Okay. Before I did any degree, because throughout my life I remember, you know, getting into the counselor mode and, you know, counseling my friends and cousins and family members and so because my parents both of them are doctors. Right. So a caring wo hamara bilkul jo jaise janam ghunti jisko bolte hai na, to wohi maine piya hua hai bachpan se aur dekha hua hai ki किस तरह से केयर किया जाता है, मतलब एट ऑल लेवल. सो बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स माय पेरेंट्स. तो फाइनली आई गॉट वेयर आई शुड हैव बीन. बट एज आई सेड ऑल दीज एरियाज दे आर सो फ्लूइड, द डिफरेंट फील्ड्स दे यू नो दे आर सो फ्लूइड दैट दे जस्ट मर्ज इनटू वन अनदर. जैसे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर एजुकेशन एंड देन साइकोलॉजी, ऐसा ब्लेंड हो गया और मुझे ऐसे लगा कि This is the best thing that I can do. फिर भी मेरा टॉडलर ग्रेड तो बहुत अच्छा चल रहा था. ये जो अपने मन की सुनने वाली बात है ना, मन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन अपने मन की बात जो सुनने वाली बात है, especially when it comes to profession. Now you know God has been kind that you know you got married to Indraneel sir. He's one of the nicest person I've met. He's one of those people. And again, you know, this family, Fouquet family, has a legacy, so which also says a lot. But then, and you come from a family which also has, you know, a great giving to the society. You come from that kind of family. But then, taking these decisions, you know, ek pakki architect banna, usme bhi aapne usme masters kiya, where you can become an educator. You've been skilled for it. When you have that skill, you could have become a great professor. You know, or probably, you know, HOD, or probably grown more. Yeah, apna khud ka college khol deti aap. Then coming to children, hai na? And then taking a call of, you know, healing people as a psychologist. Yeah, ye jo transformation hai, is transformation ka ek risk definitely. Aur dusra, by the end of the day, content rehna, ki, you know, the decisions I took was... You know the right decision, and I'm content to it. इस पे आप क्या सोचते हैं? कोई भी decision लेने के लिए ना, there are two things that are involved. The first thing is that you really have to take a risk. Risk तो होता है. मगर इंद्रनील का हमेशा ही साथ मुझे रहा है, and he was the one, and he's always the one who you know pushes me to do things which I really want to do. तो he pushed me for a toddler grade. Right. And then when I was, you know, into the entrepreneurial world for the first time and learning so many new things, और उसमें मुझे मेरा जो niche था कि मैं जब parents का counseling करती थी, I would be the happiest person. कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि this is what I should be doing rather than the administrative part. Administrative part के लिए तो लोग थे, so major तो मैं counseling ही करती थी. तो risk तो होता है राज. So you have to be really open to you know different experiences. You have to be open to fail and you have to be open to take a few steps back. But then you do get that courage, one, when your family is with you. That is one. Family doesn't only mean husband, family also mean in-laws. So unka bahut major support raha hai, my father-in-law, my mother-in-law, all of them, my brother-in-law, my co-sister aur meri idhar ki family, mere parents, sabhi log. And also maids, I mean maids at home. Absolutely. They are an integral part of my life. Without them, I just cannot do what I am doing. So, wo sab apna apna role itna acche se nibha rahe the. To us sense mein, I have been very lucky. And the third thing is that you have to keep yourself open to the opportunities. Maine abhi itne experiences ke baad maine ye notice kiya hai ki jahan par mujhe sabse bada struggle aaya, वहीं पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी.
जैसे कोविड वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इवन फॉर मी इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज आई हैड टू क्लोज इट डाउन, राइट, बट आई फाउंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एट दैट प्लेस वेयर आई फाइनली टुक द प्लंज टू देन यू नो स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम एज अ साइकोलॉजिस्ट. वरना मेरा ऐसा हो गया था कि टॉडलर क्रेड तो बहुत अच्छे से चल रहा था तो मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी जी. मुझे फिर भी मेरा पूरा मतलब सी कॉग्निटिवली आई कुडंट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज लिटिल चिल्ड्रन. ट्रू. तो कुछ और नहीं कर पा रही थी मैं, बट कुछ चैलेंज भी नहीं बचा था मेरे लिए. तो उस दौरान मैंने मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट जो मेरे लिए खुद को इक्विप करना मेरे लिए जो जरूरी था, जैसे REBT के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन थे, पर्सनैलिटी असेसमेंट के सर्टिफिकेशन थे, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही है, और अपने आप को जो थेरेप्यूटिक एनेबलमेंट के लिए जो मेरे लिए जो भी जरूरी था, तो आई डिड ऑल दैट उस वक्त. एंड आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, बट आई नेवर यू नो प्रमोटेड माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज ऑलवेज प्रमोटिंग टॉडलर क्रेड. बट देन ये जो कम्फर्ट जोन से निकलने वाली है, ये जो कम्फर्ट जोन में आप आ जाते हैं, एंड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर हु विल वॉच योर शो एंड यू नो हु लाइक दिस वुमेन ऑफ द ईयर शो वेयर यू नो देयर इज एवरी डे अ न्यू स्टोरी. सो यू नो फॉर दिस वुमेन, फॉर द लेडीज आउट देयर जो विवाह कर लेती हैं उसके बाद एक कम्फर्ट जोन में आ जाती है, रोज सुबह उनका काम बस यही रहता है टू प्रिपेयर फूड, यू नो टेक केयर ऑफ होम, लीविंग यू नो सेइंग गुड बाय टू हस्बैंड विद अ लंच बॉक्स, लीविंग चिल्ड्रन टू स्कूल, keeping home, keeping in-laws happy, and then they come to a zone where they probably forget to have a me time also. Comfort zone se bahar nahi gaya to woh dur gaya, me time bhi nahi nikalti hain woh apne liye. So what do you think about that? I mean, what do you think about, you know, these ladies? Mujhe aisa lagta hai, aur jahan mujhe chance milta hai, main yeh batati hoon, and I'm really happy that, you know, you have asked that question. जब भी मुझे चांस मिलता है मैं उनको ये बताती हूँ कि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच रही हैं, क्योंकि सब सिचुएशंस चेंज होने वाले हैं, बच्चे बड़े होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, वक्त आगे बढ़ रहा है, हस्बैंड अपने चीजों में बिजी हो जाने वाला है, और हम इतने एफिशिएंट हो जाते हैं काम करने के करते करते जी, कि हमको वही काम करने के लिए जो पहले 2 घंटे लगते थे वो 15-20 मिनट में हो जाता है. Absolutely. और हमारी उम्र बढ़ते जाती है जी. और हम कोई स्किल सेट अगर डेवलप नहीं करते तो बहुत सारे जो इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स जो विमेन को होते हैं, जो हॉर्मोन्स के साथ और बुरे होते जाते हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जब हम सिर्फ यू नो सिर्फ घर में रह रहे हैं और अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग अ वेरी अनफेयर थिंग टू आर सेल्फ्स, कि हम आगे का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ इसी मोमेंट में जी रहे हैं कि मैं कितना बिजी हूं, मैं तो टिफिन बना रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं. वो तो करना ही है, वो तो प्राइमरी रोल है, वो तो करना ही है, बट एट द सेम टाइम एवरीबडी हैज टू कीप डेवलपिंग देयर स्किल सेट्स. इट इज एब्सोल्यूटली एसेंशियल. एंड मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ एक साथ ही चलता है. आपका मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो आप फिजिकली फिट रहते हो, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो साथ ही साथ आपका मेंटल हेल्थ भी आपको दिखता है कि वो डामाडोल होता जा रहा है, और फिर हम ब्लेम करते जाते हैं चीजों पे, अलग अलग चीजों पे, बट बेसिकली हम खुद ही उसके लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ये जो पूरा वक्त गुजरा कोविड के बाद या कोविड के दौरान, व्हेन यू नो हैविंग अ वेरी गुड टाइम विथ the psychology thing which you were doing as a psychologist, kis kisam ke experiences rahe, kya some, you know, kya mehsoos kiya aapne, kya mental health is more like becoming more like a disease, it's spreading, it's changing. See, mental health to world mein jo depression jo hai, to depression is number 2 killer. Pehle nahi tha, पहले नंबर 3 पे था. अच्छा, कैंसर को सरपास कर दिया है. ओ माय गॉड. फर्स्ट इज हार्ट अटैक, सेकंड कैंसर था, और थर्ड डिप्रेशन था, मतलब सुसाइड की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड होता है, दैट वाज नंबर 3. या मेंटल इश्यूज होते थे पिछले साल, वैसे भी वो होने ही वाला था, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड, और कोविड की वजह से थोड़ा एक्सेलरेट हो गया वो. व्हाई वाज इट एक्सपेक्टेड? आई रियली लाइक टू नो व्हाई वाज इट एक्सपेक्टेड. क्योंकि जो अभी जो चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं लोगों की,
सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, लेकिन जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं हर चीज से और लोगों का मोर फोकस ऑन कन्वीनियंस रादर देन यू नो टॉलरेटिंग समथिंग, हैंग ऑन करके रखना चीजों को, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस में रहना, वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते आजकल. उनको इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए. तो ये जो अभी जो गैजेट्स हैं इसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखते छोटे छोटे बच्चों के पास फॉर आवर्स अनमॉनिटर्ड तरीके से दे आर यू नो वॉचिंग वीडियोज एंड देयर प्लेइंग गेम्स. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो रियलाइज करनी चाहिए पेरेंट्स ने भी, कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो गैजेट्स हम उनको दे रहे हैं उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं. और ये हर एज ग्रुप में, मतलब बच्चों की क्या बात है, इवन सीनियर सिटीजन्स फॉर दैट मैटर, हमको कितने सीनियर सिटीजन्स दिखते हैं जो गैजेट्स को बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, एंड देन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम, और उसकी वजह से भी मेंटल इलनेसेस बढ़ रहे हैं. हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बढ़ती है और बोर्डम और डिप्रेशन सीनियर्स में बढ़ता है. एंग्जाइटी यूथ में बढ़ती है. एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन अगेन दे गो हैंड इन हैंड. तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन योर स्किल सेट्स, दैट इज वन. हाउ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट, फाइंड अ पर्पज फॉर लिविंग. अ पर्पज फॉर लिविंग, या या, फाइंड अ पर्पज दैट व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम. उसका मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम अभी पहले कैसे बोर होता था ना जी. तो कुछ करना जरूरी हो जाता था जी. अब बोर नहीं होता है. बोर नहीं होता है इसलिए कुछ करना भी जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टिव, एंड दैट इज वेरी रिस्की. यू हैव टू नो हाउ टू गेट बोर्ड सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, वर्क प्रोडक्टिवली, डू समथिंग टू हेल्प अदर पीपल. मतलब यू थिंक पीपल नाउडेज आर आस्किंग क्वेश्चन टू देमसेल्फ दैट मैं बोर क्यों नहीं हो रहा हूं. हाँ, वो इसलिए नहीं बोर हो रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज एंटरटेन. दिस पीस ऑफ गैजेट इज ऑलवेज ऑलवेज एंटरटेनिंग देम. सी पीपल आर स्टिल कनेक्टेड, ऐसा नहीं है. इनफैक्ट सी टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग, पर उसको ब्लेसिंग की तरह से रहने देना चाहिए ना. अगर टेक्नोलॉजी का मिसयूज अगर किया तो सेम थिंग कैन टर्न इनटू अ यू नो हॉरिबल थिंग फॉर फॉर अ डाउनफॉल. एक्चुअली यू आर मदर ऑफ टू बॉयज, योर बॉयज आर ग्रोन अप नाउ. You have been counseling a lot of children also, and also mothers. What has been the most upsetting part, which has actually felt you somewhere that where are we going? What's happening? See, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी addiction को हम as a parent कितना ज़्यादा seriously लेते हैं. हम हमारे बच्चे को bore हो रहा है, इसलिए हम उसको एक wine का drink देंगे क्या? देंगे क्या? कोई पेरेंट सोच सकता है क्या? नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं सोच सकता है क्योंकि वो ये इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा है जी, कि बच्चे का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है जी. लेकिन बच्चे के हाथ में घंटों तक आईपैड या मोबाइल देना, ये पेरेंट को उतना सीरियस नहीं लगता है. वो पेरेंट का कन्वीनियंस उसमें बहुत ज्यादा होता है. और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं जी, तो वो बहुत, मतलब बचपन से ही ये गैजेट्स के साथ बड़े हुए हैं ना, तो उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि ये ज्यादा गैजेट्स के यूज की वजह से नुकसान हो रहा है. एक तो टाइम का नुकसान हो रहा है, बट दैट इज नॉट द ओनली हार्म दैट इज कॉजिंग. जो स्क्रीन जो होता है, वो स्क्रीन इज वेरी हाई रेजोल्यूशन. एक सिंपल लॉजिक है इसके पीछे. द स्क्रीन इज वेरी हाई रेजोल्यूशन, द साउंड इज वेरी हाई क्वालिटी, दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच डे, राइट? सो वेन द चाइल्ड और वेन अ कॉलेज स्टूडेंट इज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फॉर से यू नो टू और थ्री आवर्स, उसके बाद अगर वो बंद करता है मोबाइल, तो द रियल वर्ल्ड इज सो डल एंड बोरिंग, इजंट इट? ट्रू. तो ही वॉन्ट्स टू गेट बैक ऑन द गैजेट एज सून एज पॉसिबल. तो क्लास करना है तो क्लास करना है, लेकिन क्लास खत्म होते बराबर द फर्स्ट थिंग दैट द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू डू इज गेट बैक ऑन द मोबाइल, चेक सोशल मीडिया, एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है उसमें. ज्यादा चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है. सो ये सब कॉजेज है मेंटल हेल्थ बढ़ने के. एंड बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन रीजन मुझे ऐसे लगता है कि पीपल रियली डोंट वॉन्ट टू स्पेंड देयर प्रोडक्टिव टाइम
because they want to feel entertained all the time. So now how are you working? You are working, you have a clinic. How do you come? How do people approach you? I have a website and I have developed a personality assessment. I work for Simple Work Solutions and other corporations, जो IT companies होते हैं, तो वो employee enhancement programs में run करती हूँ उसमें. उसमें मैं उनका emotional quotient का पहले testing करती हूँ, because emotional intelligence is something which is the you know important चीज होती है वो. तो वो हमको develop करना है. तो पहले मैं वो testing करती हूँ. उसके बाद once I get उनका scale, उसके बाद I conduct a program. वो मेरा अपना डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है. थ्रू पर्सनैलिटी असेसमेंट्स वी फाइंड आउट मोर अबाउट देयर यू नो सेल्फ अवेयरनेस उनका होता है. एंड आफ्टर ऑल दैट दे गो थ्रू अ प्रोग्राम. एक साल भर का प्रोग्राम होता है. उसके बाद वी अगेन मेजर देयर ईक्यू. तो ये मैं कॉलेज में भी कर रही हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी कर रही हूँ, एमआरच के लिए भी कर रही हूँ. मेरा जो कॉलेज का एमआरच है वो जी. और इंडिविजुअल काउंसिलिंग मेरा वेबसाइट है. सो मेरा वहां पर सब कुछ, मतलब अपॉइंटमेंट लेना इज वेरी सिंपल. आप वेबसाइट पे जाओगे तो बुक एंड अपॉइंटमेंट आ जाता है. वेबसाइट का नाम besorted.life. besorted.life. ओके ओके. जब चीजें यू नो ये जो काले बादल है, जहाँ बहुत कंफ्यूजन है, जहाँ बहुत सवाल है, जहाँ बहुत एक ऐसा द्वंद मचा हुआ है, जहाँ पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप अपने आप को वाकई में सॉर्ट नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूजन्स के दौर में हो आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, वी सी विद टाइम द नंबर ऑफ डिवोर्सेज आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ सिंगल मदर्स आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप. व्हाट डू थिंक अबाउट दैट? सी एक्चुअली वो जो सोच रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू रियली वर्क हार्ड ऑन अ रिलेशनशिप. हर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप को आप कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. होता ये है कि एक रिलेशनशिप में जब आप जाते हैं तो आप शुरू में आप बहुत ट्राई करते हैं टू यू नो मेक एवरीथिंग वर्क, एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पार्टनर. और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मतलब मे बी उनके थॉट प्रोसेस अलग हैं, मे बी उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं. तो उनको लगता नहीं है कि उनको वो रिलेशनशिप से बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि उनकी खुद की भी उतना देने की कैपेसिटी नहीं है, कम हो जाती है. क्योंकि धीरे धीरे कैसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ते बढ़ते हैं और आपके देने का जो वो रहता है वो धीरे धीरे शायद कम हो जाता है. देखिए हर केस अलग होता है, हर सिचुएशन एक जैसे नहीं होता जी. तो इसको हम ऐसा मतलब ऐसा ये नहीं कर सकते, फ्रेमवर्क नहीं बना सकते. फॉर एवरीबडी इट इज डिफरेंट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट टू कंटिन्यू इन अ हेल्दी रिलेशनशिप एवरी पार्टी हैज टू वर्क हार्ड ऑन इट, एंड यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स हु डोंट वांट टू गेट मैरिड? सी इट इज देयर चॉइस, लेकिन कैसा है कि उसका कोई रीजन होना चाहिए. इफ दे डोंट वांट टू गेट मैरिड दे शुड आस्क देमसेल्व्स दैट व्हाई दे डोंट वांट टू गेट मैरिड. मतलब उनको क्या चाहिए लाइफ से, मतलब से आफ्टर 25 इयर्स. सो दे शुड थिंक इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स कि दे शुड थिंक अबाउट देमसेल्व्स आफ्टर 25 इयर्स कि उनको क्या चाहिए लाइफ में. सो इफ दे स्टार्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए उसके लिए कि आपको लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्या है. और अगर उसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आपको आती है, इफ यू फील दैट लेटर ऑन यू नो यू नीड अ फैमिली, यू नीड अ लविंग एनवायरमेंट, देन यू हाउ विल यू डू दैट विदाउट गेटिंग इन टू अ रिलेशनशिप. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एट अ डीपर लेवल वन हैज टू एड्रेस कि उनको लाइफ से क्या चाहिए. क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ये सोच सकता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, और इसमें ये सब कोई मायने नहीं रखती चीजें कि सोसाइटी का क्या रोल है इसमें. सोसाइटी चाहती है कि आप एट द 25 यू गेट मैरिड एंड एट 27 यू नो बिकम अ मदर. सो दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट यू हैव टू डिग डीपर विद इन योर सेल्फ एंड आस्क योर सेल्फ दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन लाइफ एंड देन व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट टुडे. इन ऑल दीज इयर्स
what has changed in from Sonal Deshpande Deshmukh from Sonal Deshmukh to Sonal Phuke? What has changed? ऐसे कुछ खास changes तो मुझे लगता नहीं है हुए हैं. सोनल देशमुख को इतना exposure नहीं था. As soon as she became Sonal Phuke, she got exposed to, you know, first thing she was exposed to the United States of America. So mm-hmm. that was the one thing that happened. और उसकी वजह से जो अलग अलग perspectives जो आए mm-hmm. कि अच्छा ऐसे भी लोग जीते हैं, अच्छा mm-hmm. ऐसे भी लोग खाना खाते हैं, मतलब कि हमको ऐसे लगता है ना कि यही तरीका होता है जीने का mm-hmm. जब हम एक पर्टिकुलर, यू नो, एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड से जो जाते हैं mm-hmm. तो पहले शादी के ऐसा था कि सब कुछ सेट था mm-hmm. और सब कुछ एक फिक्स्ड तरीके से चल रहा था. बट आफ्टर मैरिज एवरीथिंग वॉज न्यू एंड देन मुझे धीरे धीरे अपने ही अंदर की और चीजें पता चलने लगी कि दिस इज व्हाट आई, यू नो, एंजॉय मोर. आई एंजॉय टेकिंग अप चैलेंजेस, आई एंजॉय पब्लिक स्पीकिंग, आई एंजॉय कनेक्टिंग विद पीपल. तो बट आई डोंट थिंक माय कोर हैज चेंज्ड. दैट्स देयर, दैट्स स्टिल देयर. अब चूंकि एक, यू नो, एक बड़ा अरसा निकला है वेयर यू हैव बीन इन, यू नो, डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क सोशली, where you have, you know, connected people, transformed people's life, helped them into these, you know, the mental health issues and things like that. What next? What's the dream? What's the big dream? See, मुझे ऐसे लगता है कि this is what, I mean, actually I'm living my dream, ऐसा बोलना चाहिए, because this is what I always wanted to do. और इसी का scale I would like to increase. और मैं अभी, मुझे, मैंने मेरा पर्सनैलिटी असेसमेंट भी किया है, ऑल दो इट इज वेरी एक्यूरेट. अभी मैंने 250-300 लोगों का असेसमेंट किया है एंड दे हैव रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, क्योंकि उससे उनको अपना खुद का, मतलब सेल्फ जो उनका अवेयरनेस है उनका बहुत बढ़ता है, उसमें डेवलपमेंटल पार्ट्स भी दिए हुए हैं. सो एक वो मुझे बहुत पावरफुल टूल मिला है, दो तीन बहुत पावरफुल टूल मुझे मिले हैं जो जिसकी हेल्प से मैं सही में ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ लोगों में. और इसी को मुझे और वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी मुझे एस्टैब्लिश करनी है, तो आई एम गोइंग टू एनरोल माय सेल्फ फॉर अ पीएचडी इन दिस. डू यू थिंक दैट पीपल डू फुल बॉडी चेकअप टू नो कि डायबिटीज है या नहीं है, या, यू नो, बाकी इश्यूज है या नहीं है? डू यू थिंक पीपल, एवरीबॉडी शुड गो थ्रू अ मेंटल असेसमेंट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. mm-hmm. अभी जो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस जो हो रहा है mm-hmm. वो बहुत जरूरी है. mm-hmm. वो बहुत जरूरी है, वो ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, वैसा नहीं है. बिकॉज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ गो हैंड इन हैंड, और एक की मेंटल हेल्थ पे mm-hmm. उनके आजू बाजू के सब लोगों की मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर. सो एवरीबडी हैज टू, यू नो, असेस देमसेल्फ कि वो कहां पर है मेंटल हेल्थ को लेके. और इतने अच्छे अभी टूल्स अवेलेबल है, इतने काउंसलर्स अवेलेबल है, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है. एक चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो मैं अभी शेयर करना चाहूंगी कि काफी बार ऐसा बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, या हमारे सोसाइटी में एक वो है कि, मतलब, थोड़ा सा ऐसे गलत नजर से देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है, काउंसलर की क्या जरूरत है. पहले कैसे हम हमारे बहनों के साथ बातें कर लेते थे, हमारे फ्रेंड्स के साथ बातें कर लेते थे. पर इसमें मेरा थॉट्स थोड़े से डिफर होते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि आप जब अपने फ्रेंड को जब कोई चीज बताते हो तो वो फ्रेंड का एक अपना मेंटल मेकअप है और उनके पर्सपेक्टिव से वो आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है. लेकिन जज की बात नहीं कर रही हूँ मगर वो आपको हेल्प ही कर रहे हैं. जी, दे आर वेरी वेल मीनिंग. बट उनका भी तो एक दायरा है, उनका दायरा है जी. और इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. बिकॉज जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सबके ऊपर से जूम आउट करके चीजों को देखते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. उन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई है जी. और वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी साइड ले ऑल द टाइम, बट दे विल गाइड यू इन द प्रॉपर मैनर बिकॉज दे आर इक्विप्ड फॉर दैट. जैसे अब आपकी फ्रेंड है इसलिए आप उनसे मेडिसिन लेंगे क्या?
भले ही शी इज वेल मीनिंग बट योर फ्रेंड डजंट नो कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं है. उसके लिए आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना. इवन दो शी इज अ गुड फ्रेंड, शी विल गाइड यू प्रॉपरली. यू माइट फील दैट यू नो शी इज अ फ्रेंड, आई कैन टेक हर हेल्प, बट इवेंचुअली यू हैव टू कॉन्टेक्ट अ प्रोफेशनल. तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है. एंड ये एक अच्छा बदलाव सोसाइटी का है. People have started believing in yeah, and started and trusting these counselors and psychologists. Yeah, they have. मेरा आखिरी के दो सवाल. एक ये कि marriage is an institution. Yeah, husband learns a lot from the wife every day. But कभी कभार wife भी husband से कुछ सीख लेती है. आपने इंद्रनील सर से क्या सीखा? इंद्रनील सर से तो मैं सीखते ही आ रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, बिकॉज वी आर टूगेदर सिंस चाइल्डहुड. वी वेर इन द सेम स्कूल एंड देन ही डिड हिज इंजीनियरिंग, आई डिड माई आर्किटेक्चर. वी वेर इन यूएस, तो शुरू से हम लोग एंड वी आर वेरी कनेक्टेड विद ईच अदर. तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. वॉट आई लर्न फ्रॉम हिम इज यू नो द स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस. ही ऑलवेज सेज कि if you have to do something then do something which is good. Anything worth doing is worth doing good. And he really strives for that excellence and he has tried to imbibe that in our children also. So ek wo cheez mujhe lagta hai ki I think that tops the list. And many other things but I think this tops the list. Agar you know zindagi ki ek sunehri kitab bani aur usme ek sunehre panne par sunehre aksharon mein naam likha gaya Sonal Deshmukh Phuke, उसके नीचे वो कौन सा कोट, वो कौन सी लाइन, वो कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ये आखिरी सवाल मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि मुझे मालूम है इस पे थोड़ा सा संज्ञान करना जरूरी होता है. आई वुड से Sonal Phuke, हु हैज मेड अ डिफरेंस इन माय लाइफ. Sonal Phuke. Amazing. I think this thought will, you know, will be shared with a lot of people. ये जो आपका, you know, ये पूरा interview, there's so much of, you know, takeaway from this interview. And I think when this interview will be shared by a lot of ladies who are watching right now, and इसके बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा takeaway जो है वो ये है कि आप वाकई में यू नो जिस किस्म का काम कर रही हैं वो एक तो विद अ डिफरेंस है. सेकंड, यू हैव एक्चुअली टॉट अस दैट रिस्क लेना जरूरी है इफ यू वांट दैट चेंज टू हैपन, नॉट जस्ट चेंज यू नो इन 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 पी यू नो इन इन द सोसाइटी और यू नो इन एनीवनस लाइफ, बट इन योर लाइफ यू शुड टेक दैट रिस्क टू चेंज योर लाइफ, which is the most important thing, because by the end of the day you have got just one life, one opportunity, but then life gives you a lot of opportunity where you know you can change things only if you want to. और mental health के ऊपर में जो आपने बातें बताई वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को अब ध्यान में रखना चाहिए. और उसको लेकर सबसे बड़ी चीज़ वो full body checkup कराएं न कराएं लेकिन mental assessment ज़रूर कराएं ताकि इसके बाद उनको ये कम से कम पता चले कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू राज. ग्रेट. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, और ये बात करते करते Sonal मैम से ये चीज़ मैं रियलाइज कर रहा था कि महिलाएं यू नो दिन में कितनी बार अपने आप को यू नो मोबाइल के सेल्फी कैमरा से देखती होंगे, कितनी बार वो अपने आप को आईने में देखती होंगे. आई एम श्योर जितने देख रहे हैं इस वक्त शो वो भी अपने आप को दिन में मिनिमम 5 बार तो देखते होंगे. लेकिन मैं उन महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ अपने आप को आईने में देखते हैं कि वो कैसी दिख रही हैं या उनके उनका चेहरा कैसे दिख रहा है या उनके चेहरे का मेकअप सही है या नहीं है या जब उन्होंने जो ड्रेस पहना है उसमें वो कैसी लग रही हैं. अंदर माइंड हार्ट स्टेटस क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं जीवन में, क्या कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके आपकी जो इनर यू नो जो इंस्टिंक्ट है या आपकी जो
इनर लिविंग है वो आपसे पूछ रही है, और जब जब आप उस दर्पण में उस आईने में देखते हैं वो आपसे यही सब पूछता है। इसीलिए तो आप आईने के सामने 2 सेकंड रुकते हैं, आप बस झलक के जैसे चले नहीं जाते, आप रुकते हैं, आप आईने में खुद को देखते हैं और वो आईना आपको सवाल करता है, आप उसको बिना जवाब दिए चले जाते हैं, फिर आईना आपको फिर बुलाता है और आप फिर उसे देखते हैं और वो फिर आपसे सवाल करता है और आप फिर जवाब दिए बिना चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात दिनराज की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में छोटी सी बिटिया है जो आपके आपको आकर आपसे बात करती है, आपको सुनती है, आपको समझती है और फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती लेकिन आपको कुछ ऐसा ज़रूर कह देती है जिससे आपकी सोच में बदलाव आता है और आप बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, तो समझिए वो सोनल देशमुख फुके बन रही है। जिंदा रहें, जय हिंद।